नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू ज्योग्राफी का, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भारत के राज्य कौन कौन से देश के साथ टच हो रहे हैं, कितने राज्य, मतलब एक नेपाल के साथ या फिर कहें बांग्लादेश के साथ, चीन के साथ टच हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, इसलिए पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो भारत की लोकेशन क्या है, लोंगिट्यूड यानी अक्षांश देशांतर क्या है भारत का, कौन सा राज्य जो है वो, वहां पर भी हमने देखा था कि भारत में कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, या भारत और पाकिस्तान में जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है, भारत श्रीलंका कौन सी स्टेट के द्वारा, कौन सी जल संधि के द्वारा अलग किए गए हैं। तो ये सारी चीजें हमने वहां देखी थी। आज हम राज्यों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। अब यहां पर आपके सामने हिमाचल प्रदेश का लगा हुआ है मैप। अब मैप से जो आप ज्योग्राफी करते हो ना, तो मैं तो कहता हूं कि बहुत बेस्ट तरीका है, आपको ज्योग्राफी लॉन्ग टाइम तक याद रहने वाली है और बहुत हेल्प भी करती है चीजें। अब यहां पर देखिए तो चंबा देखते हैं, तो चंबा तो ये रहा भैया, चंबा तो यहां पर है, चंबा के ऊपर के तो जम्मू कश्मीर हो गया, अंदर तो इसके खुद के जिले हो गए हिमाचल प्रदेश के, तो चंबा तो टच नहीं कर रहा। सिरमौर, अच्छा सिरमौर ये रहा यहां पे। अब यहां पर देखिए सिरमौर यहां पर है, सिरमौर के ऊपर शिमला हो गया, शिमला यहां पर उत्तराखंड हो गया, नीचे की तरफ यहां पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा यहां पर हो गए, लेकिन भैया सिरमौर भी नहीं कर रहा। कुल्लू, अरे कुल्लू में चलते हैं, कुल्लू में बहुत बर्फबारी हो रही है, तो कुल्लू में गए, कुल्लू में यार नहीं, कुल्लू तो खुद यहां पर खुद जिलों से घिरा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपके सामने बचा किन्नौर, तो किन्नौर आपने देखा ये रहा, शिमला के जस्ट ऊपर है और यहां पर चाइना के साथ सीमा साझा कर रहा है ये, क्लियर यहां पर। और किन्नौर को देवताओं की भूमि कहा जाता है, एक मान्यता है कि भाई यहां पर पांडव आकर बसे थे किन्नौर के अंदर, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। भैया संघ राज्य क्षेत्र बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, इसने ये पूछा है। अब यहां पर आप जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 2010 CHSL SSC CHSL के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग आंसर बदल जाएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया था। अब जब आज की डेट में अगर कोई आपसे पूछे ना सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो वो लद्दाख है, लेकिन इसका आंसर यहां पर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, क्लियर। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से भारत का लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एसएससी एफसीआई सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अच्छा सारी वीडियोस जो हैं, ये सेकंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, इनकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर ज्वाइन कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, प्रमोशन भी तो जरूरी है ना। अच्छा थर्ड पे आते हैं, तो कह रहा है कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमा साझा करती है। अब यहां पर अगर आप देखें आपके सामने मैप तो है, यहां देखो ये रहा नागालैंड, और नागालैंड के जस्ट ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे क्या है मणिपुर, और यहां पर इसके साउथ में ऊपर नॉर्थ में तो हो गया एक तरीके से अरुणाचल प्रदेश, साउथ में हो गया मणिपुर, अगर वेस्ट में देखें तो असम, और ईस्ट में तो है म्यांमार, तो वो एक देश हो गया, इसने राज्य पूछे हैं। तो आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन, अब इसमें यहां पर सेवन सिस्टर्स, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सारे स्टेट करना, क्योंकि देखिए स्टेट से पूछ रहा है कौन सा स्टेट किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, कौन सा स्टेट कौन से देश के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखते हैं, ये पूछा कि मणिपुर की सीमाएं किसके साथ लगी हुई है। अब यहां पर मणिपुर, देखिए सेवन सिस्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके राज्यों के कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मणिपुर के जस्ट ऊपर है नागालैंड, मणिपुर के नीचे क्या है मिजोरम, मणिपुर के इस साइड क्या है असम, तो यहां पर नागालैंड, असम, मिजोरम, तो आंसर हो जाएगा सी, क्लियर यहां पर। आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहां पर सारे वही पूछ रखे हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। और आप यहां पर देखें तो अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है, तो यहां पर तो भैया मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, इनकी तो लग रही है, तो किसकी नहीं लग रही, असम की नहीं लग रही। अरे यहां पर आपके सामने मैप देखो ना, असम तो खुद अंदर की तरफ हो रहा है, तो ये है नहीं यहां पर, तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा ए। तो अच्छा देख लेते हैं कौन कौन सी सीमा
सीमा होगी, अरुणाचल प्रदेश होगी, नागालैंड होगी, मणिपुर होगी, मिजोरम होगी, क्लियर यहां पे। तो ये जो सीमा है वो म्यांमार के साथ लगती है लेकिन असम की नहीं लगती है। आगे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहां पर आपके सामने भाई देखिए, देख लीजिए आपके सामने मैप है। अब देखिए ये रहा उत्तराखंड एक नंबर, उत्तर प्रदेश दो नंबर, बिहार तीन नंबर, अब यहां पर और कौन सा हो गया, तीन तो हो गए, ये जहां यह पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल चार नंबर, सिक्किम पांच नंबर, तो पांच हो गए आपके सामने। तो पांच राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हो गए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अच्छा मैंने बिहार लिखा है ना, मैंने सब कुछ यहां पर लिखा है, क्लियर। अब आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन पूछा है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों यानी मैप को अदला बदली किया था, किसने किया था भाई, किसके साथ किया था, बांग्लादेश के साथ 2015 में किया था और उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। 111 जो क्षेत्र थे वो भारत के अंदर थे वो बांग्लादेश को दिए गए थे और 51 क्षेत्र जो बांग्लादेश के थे वो भारत को दिए गए थे, इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, क्लियर। अब आते हैं एट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन कह रहा है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य के साथ साझा नहीं करता। अब आपके सामने यहां पर बांग्लादेश तो है ही, ये रहा भारत का नक्शा लेंगे तो भारत के पोते का तो नक्शा अपने आप फ्री मिल जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए तो बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश के इस साइड हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इधर हो गया असम, असम यहां पर मेघालय और यहां पर त्रिपुरा हो गया। तो यहां पर देखिए त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरे झारखंड, अरे झारखंड तो यहां पड़ रहा है, तो कहां से भी टच कर दिया इसने, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा सी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत किस देश के साथ सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है, वो है बांग्लादेश, सबसे कम किसके साथ करता है, केरल। तो भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो सबसे ज्यादा है भारत में किसी और दूसरे देश के साथ साझा करने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा में। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अरे शिमला हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, देहरादून, अरे ये तो मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा जानता होगा देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये ए जो है वो इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्लियर। मतलब गलत क्या, ए जो है वो आंसर सही होगा और गलत वो है, मतलब कि ये गलत मिलाप है। टेंथ पे चलते हैं, टेंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। अब ये जो है मैंने आपके सामने जो ये जो मैप है इस बार बदल दिया, यहां पर मैंने क्या लेकर आ गया हूं, इनकी कैपिटल लेकर आ गया हूं। तो देखिए असम ईटानगर कौन सा जोड़ा सही है ये हमें चाटना है, तो ये असम रहा और असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर है। नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। मणिपुर क्या है, मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। मिजोरम की क्या है, आइजवाल है। त्रिपुरा की क्या है, अगरतला है। तो देख लो जरा अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, त्रिपुरा, अगरतला, तो ये रहा आपके सामने, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो आपके सामने ये रहा असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, अब इस बार सही नहीं छांटना है, जो सही नहीं है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन भी देखिए कैसे है, अब ये सारे जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, देख रहे हो एसएससी एफसीआई 2012 के अंदर, जी सीजीएल हुआ था 2012 के अंदर। अब यहां पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, इसमें पड़ता है। माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, बिल्कुल सही है। कोडिकनाल जो है वो तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में शिमला, अरे वाह यार ये तो मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा पहचान लेता है, अरे भाई नहीं, उत्तर प्रदेश जो है वो मतलब शिमला जो उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, शिमला कहां पड़ता है, अरे हिमाचल प्रदेश में, अरे वो एक हनीमून का डेस्टिनेशन माना जाता है इसको। अब आते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन पे, ट्वेल्थ क्वेश्चन है कि राज्य है और उसकी राजधानियों का सही जोड़ा बता दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है सही जोड़ा बताने, नागालैंड शिलोंग। अब यहां पर देख लेते हैं, आ जाते हैं अपन नागालैंड के ऊपर, तो नागालैंड कहां पर है, ये रहा नागालैंड की क्या है, कोहिमा है, तो पहला तो गलत हो गया। झारखंड रांची, अरे ये रहा बिल्कुल सही, तो आंसर हो गया आपके सामने बी, क्लियर। अब यहां पर आपके सामने राजधानी भी दी हुई है, नागालैंड कोहिमा, झारखंड रांची, उत्तरांचल उत्तराखंड कहते हैं इसको, देहरादून होगी और छत्तीसगढ़ की रायपुर होगी। अब यहां पर आते हैं थर्टींथ क्वेश्चन पे, थर्टींथ क्वेश्चन है भारत में 9 तटीय राज्य हैं, कितने तटीय राज्य हैं यानी कोस्टल स्टेट हैं, 9 हैं, और लेकिन उनमें से आधे से अधिक जो नमक की जो भारत की रिक्वायरमेंट है वो गुजरात से हो रही है, ऐसा क्यों। तो इसका रीजन ये होता है कि ये जो गुजरात का रीजन है ना, यहां से
नमक सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर तो बारिश कम और कंपैरेटिवली जो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी है वो एकदम सही है नमक के प्रोडक्शन के लिए। तो यही रीजन होता है कि बाकी के जो तटीय रीजन है, तटीय क्षेत्र है, उनसे मतलब कि वहां इतना नमक नहीं होता जितना गुजरात में हो रहा है। क्लियर। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये अंग्रेजों ने स्थापित किया था डिस्टेंस मापने के लिए एक तरीके से। इसका और कोई ज्यादा यूज नहीं है। सी है इसका आंसर, नागपुर। ठीक है, जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। जीरो माइल सेंटर कहते हैं इसको। कोई इंपोर्टेंट इतना नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन में आ जाता है लेकिन इसका कोई खास महत्व नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में फेरबदल यह है कि किस राज्य की नहीं कहना था यहां पर, इसमें कहना था यूनियन टेरिटरी यानी यूटी या फिर कहीं केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि देखिए अभी इसका आंसर जो है ना पोंडिचेरी है। अब पोंडिचेरी कैसे है? देखो पोंडिचेरी में, अब यहां पर आप ये देखिए, ये रहा पोंडिचेरी। पोंडिचेरी का एक क्राइकल यहां पर हो गया, ये पोंडिचेरी है। पोंडिचेरी के चार क्षेत्र हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चारों जो है वो अलग अलग है, ठीक है, और चारों एक दूसरे से टच नहीं करते हैं। तो यहां पर देखें तो ये जो एरिया होता है ना, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, कल क्या पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो एरिया होता है ये ईस्टर्न होता है, यानी ईस्टर्न घाट कहते हैं इसको, वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो यहां पर जो है ये ईस्टर्न घाट में भी पड़ता है और ये वेस्टर्न घाट में भी पड़ता है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो वो पोंडिचेरी है, लेकिन राज्य नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है। अभी हाल फिलहाल में जो मुख्यमंत्री है पोंडिचेरी की, उन्होंने मांग उठाई थी कि भैया हमारे राज्य, हमारे जो यूनियन टेरिटरी है उसको राज्य का दर्जा दे दो। अभी आपको बताओ कि यूनियन टेरिटरी में भैया कहां होते हैं मुख्यमंत्री? तो दो ही हैं अपने पास, पोंडिचेरी और दिल्ली। तीसरा बन रहा है जम्मू कश्मीर, उसके अंदर अभी परिसीमन चल रहा है, जैसे परिसीमन कंप्लीट होता है तो यहां पर भी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन यहां पे टोटल तीन हो जाएंगे अपने पास जो यूनियन टेरिटरी होंगी, जिनके अंदर मुख्यमंत्री होंगे। जम्मू कश्मीर हो जाएगा, दिल्ली है और पोंडिचेरी है। पोंडिचेरी ने कहा है कि भैया हमें राज्य का दर्जा दो। खैर वो एक तरीके का पॉलिटिकल स्टंट है, अब कभी इसको बनाया नहीं जाएगा, वो काफी सारी कंडीशंस है। 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, मुझे लगता है ये बच्चा बच्चा जानता है कि भाई सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। एरिया आप देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, 1 और 2। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? राजस्थान है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? कौन सा आता है भैया? मध्य प्रदेश आता है। और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। तो तीन हो गया आपके सामने। अच्छा, भारत का, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉपुलेशन की दृष्टि से पूछे तो कौन सा है? भैया पॉपुलेशन की दृष्टि से ये रहा कौन सा? उत्तर प्रदेश। क्लियर, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं कि इसमें पूछा है भारत का, फिर से वही क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। क्लियर। 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है? भाई कौन सबसे ज्यादा समुद्र के साथ मतलब सीमा साझा कर रहा है? तो वो है गुजरात। गुजरात कर रहा है। गुजरात के पास जो है वो 1,214.70 किलोमीटर एक तटीय सीमा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु थर्ड नंबर पे है, महाराष्ट्र फोर्थ नंबर पे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे कम कौन सा कर रहा है? गोवा कर रहा है। देखिए ये रहा छोटा सा गोवा कर रहा है। फर्स्ट नंबर पे कौन हो गया? गुजरात। सेकंड नंबर यहां लिख देते हैं, फर्स्ट गुजरात, सेकंड नंबर पे कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। थर्ड नंबर पे क्या हो गया? तमिलनाडु। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र। पूछा जाता है अभी देखिए, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? अब यहां पर गुजरात नहीं दे रखा, अब सेकंड नंबर को पकड़ेंगे हम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? आंध्र प्रदेश। क्लियर। यहां पे अब देखिए क्रम से पूछा गया है, यहां पे आपको पता है कि चार राज्य कौन से हैं जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ। अब आपको पता है कि अगर एक ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा मिलेगा, तो ये रहा आपके सामने। तो इसका ऑप्शन, अरे ये क्या हो गया, अच्छा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब 20th क्वेश्चन के क्या कह रहा है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? अब यहां पर देखिए गुजरात दे रखा है। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछा गया, यहां पर गुजरात नहीं था तो आंध्र प्रदेश था, पूछ रखा है कि भारत की तटीय रेखा सबसे लंबी। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन बदलते ही, देखिए इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों को।
21वें क्वेश्चन पे आते हैं। 21वें क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की तटरेखा कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है टोटल। अब यहां पर पिछली बार मैंने आप लोगों को सीमा रेखा भी बताई थी, वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो पिछली वीडियो मैंने कवर करा दी। अब आप लोगों को तटरेखा बता रहा हूं वो कितनी है, 7516, यानी टोटल जो तटरेखा जो है वो ये रही, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 7516, लगभग लगभग 7500 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछा गया है कि लक्षद्वीप कहां स्थित है, लक्षद्वीप यहां पर है, तो ये कौन सा पड़ता है सागर भैया, ये अरेबियन सी पड़ता है, बे ऑफ बंगाल यहां पड़ता है, यहां पर क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, तो यहां पर, और इस लक्षद्वीप के अंदर 36 आइलैंड है, तो ये काफी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, यहां पर पूछ भी रखा है सीएचएसएल के अंदर, 2000 ये दोनों सीएचएसएल के अंदर आए हुए हैं, पूछा गया है कि लक्षद्वीप कहां पड़ता है और लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है, 36 है, क्लियर यहां पे, और राजधानी इसकी क्या है, कवरत्ती। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अरे यार ये तो आ ही रखे, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, तो यहां पर मैंने शायद मैं इसको मिस कर गया था, कट करना, आपके सामने ऑप्शन है ए है, यानी 10 डिग्री चैनल के द्वारा। तो अब यहां पर देखेंगे ना, ये रहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहां पर अंडमान है और ये दोनों जो है वो 10 डिग्री, यहां से एक 10 डिग्री चैनल गुजर रहे हैं, तो यहां से जो है वो दोनों अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पूछा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहां पर है, तो अगर आप यहां देखें ना, ये रही, तो ये नॉर्थ अंडमान पड़ता है। नॉर्थ अंडमान के कैसे डिवाइड किया गया, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर जो है वो नॉर्थ अंडमान, एक लिटिल अंडमान भी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब यहां जो है किस में पड़ रहा है, वो नॉर्थ अंडमान के अंदर, क्लियर। 26th क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। देखो पश्चिम बंगाल, ये रहा पश्चिम बंगाल की, एक तो हो गया बांग्लादेश, अब एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया नेपाल यानी दूसरा नंबर लिख देता हूं, एक हो गया भूटान, तो कितने राज्यों के साथ, कितने जिलों के साथ, देश के साथ लगती है, तीन के साथ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहा जाता है, देखिए आंध्र प्रदेश ये रहा और तमिलनाडु के तटीय भाग को, ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर कराया था ना, ये वेस्टर्न, ये ईस्टर्न, इसको क्या कहते हैं, इस वाले को, क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये देखिए कोंकण तट हो गया, मालाबार तट हो गया, इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, तो बी इसका आपका आंसर हो जाएगा। केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहते हैं इसको। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछली क्लास के अंदर या पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को करवाए थे, ये सारे आए हुए हैं। अच्छा यहां पर देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट ही हो रहा है, 29th क्वेश्चन कह रहा है कि कोंकण तट कहां से कहां तक है, तो कोंकण तट देखिए ये रहा कोंकण तट, गोवा तक फैला हुआ है, दीव से लेकर दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है, तो ये इसका आपके सामने आंसर हो जाएगा सी, क्लियर। कोंकण तट भारत के पश्चिमी यानी ये जो पूर्वी पश्चिमी यानी वेस्टर्न जो भाग है इसके ऊपर की तरफ यानी पूर्वोत्तर अनुभाग है। कोंकण तट में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की जो सीमा है दमन से शुरू होती है और गोवा तक फैली हुई है। अब आते हैं भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य के अंदर है। अभी यहां पर जो जवाहर टनल है वो है ए यानी जम्मू कश्मीर के अंदर। अब यहां पर भारत की सबसे, अभी देखिए ये 2007 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, 2007 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आज की डेट में पूछे ना, देखिए 31 अक्टूबर 2019 से अब ये बनिहाल दर्रे में स्थित, बनिहाल दर्रे में से होकर जम्मू कश्मीर से मां गुजरता है, वर्तमान में चेनानी नासिरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये तो होगी पुराना है, ये कहां क्या था, लेकिन आज की डेट में कौन सी होगी, चेनानी और नेसरी के बीच में स्थित जो सुरंग है वो सबसे लंबी है, क्लियर। 31st क्वेश्चन में फिर से आपके सामने मिलान करने हैं कि भटकल, केरल, एलेपी, तमिलनाडु, काकीनाडा, कर्नाटक, तुतीकोरिन, आंध्र प्रदेश, तो ये बताने कि किसके साथ सही रहेगा, ये क्रम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो भटकल पड़ता है कर्नाटक में, एलेपी केरल में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, तुतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर। अब ये मैप मैं ऐसा ले नहीं पाया कि भैया मैं आप लोगों को दिखा पाता, ठीक है। अच्छा आते हैं 32nd क्वेश्चन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है। अरे चीख चीख के बोल रहे हैं, मतलब कि सदस्य है, मुझे गलत पढ़ लिया मैंने, सदस्य है बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये नहीं है, त्रिपुरा है, क्लियर। अब आपके सामने जो ये है आपको याद रखने हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इनको सेवन सिस्टर का मतलब कि इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, पूर्वोत्तर राज्य जो होते हैं इनको सेवन सिस्टर कहा जाते हैं। अब यहां पर निम्नलिखित में से किस राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, गोवा की है, सबसे ज्यादा लंबी किसकी, गुजरात की है, और तटरेखा कितनी टोटल अपने पास 7516। ध्यान रखना इस चीज का, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, सबसे कम किसकी है। अब स्मार्ट सिटी कहां स्थापित की जा रही है, ये उस वक्त का क्वेश्चन है 2006 के अकॉर्डिंग, तो वहां पर इसका आंसर हो गया था कोचीन, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। अब सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो सबरीमाला जो है वो केरल के अंदर है, क्लियर। यहां पर अयप्पा देव जी की, अयप्पा देव भगवान की यहां पर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है ये, क्लियर। दीव एक द्वीप है, द्वीप कहां है, दमन एंड दीव आपको पता हो, तो वो गुजरात से थोड़ा सा यहां पर, ये मैं लेकिन यहां पर यहां से थोड़ा सा अटके से है, यहां पर एक छोटा सा मतलब एक चुटकी बरसा, यहां पर आप देखेंगे तो बिल्कुल चुटकी बरसा यहां पर दिखेगा, अभी तो दिख नहीं रहा क्योंकि मैप में ऐसा दिखाएगा नहीं, यहां पर एक अलग से आता था, मैं वो लेके नहीं आया, गलती से मैंने यही लगा दिया, तो आप देखेंगे तो गुजरात से हटकर है ये, क्लियर। यहां पे अब आगे चलते हैं, 38th क्वेश्चन में कह रहा है, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पर भारत और पाकिस्तान के बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सर क्रिक है। देखिए सर क्रिक के ऊपर दोनों ही देशों का विवाद है कि भाई पाकिस्तान कहता है ये मेरा है, ये अंग्रेजों के टाइम से ही था, तो यहां पर भारत कह रहा है कि मेरा है, तो यहां पर भारत ने भी इसके ऊपर फैसला सुनाया था, चलिए ये देखिए सर क्रिक का एरिया यहां पर है। अब यहां पर भारत ने भी कहा था कि एक काम कर लीजिए भैया, एक इसमें से हाफ ऑफ कर लेते हैं, सर क्रिक के एरिया में से पानी गुजरता है तो हाफ का एरिया आप ले लो, हाफ हमें दे दो। पाकिस्तान कहता नहीं, अगर हाफ ऑफ करोगे तो इस साइड वाला जो एरिया होगा उससे मेरी जो सीमा मतलब कि उससे मेरी नाव नहीं गुजर पाएगी। तो भारत ने कहा कि चलो बेटा तुम लेके दिखा लो, तुम देख हिम्मत है तो तुम्हें, तो ये पागल हो गए। 39th क्वेश्चन कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें चार जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा एक दूसरे के साथ नहीं लगती है। ये अभी मैंने आप लोगों को कराया था पुडुचेरी, पुडुचेरी का आपको पता है कि यहां पर यमन हो गया, यहां पर पुडुचेरी अलग, यहां कराईकल ये रहा, यहां माहे हो गया, तो अलग अलग है। किस किस में पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर हो गया, केरल के अंदर हो गया, और आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया, तो क्लियर। अच्छा संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं मिलती, मतलब की कहानी है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, भैया कर्नाटक के अंदर, क्लियर। काफी ज्यादा लोगों को बच्चों को परेशान करते हैं ये वाला क्वेश्चन की पुडुचेरी की कहां कहां पर जो सीमा है वो कहां है, कौन कौन से राज्य में है। अब वन लाइनर के ऊपर आते हैं, बस इतने ही थे क्वेश्चन, अब वन लाइनर कर लेते हैं जल्दी से। देखिए लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस कारण हुई, परवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के द्वारा, ये मैं आपको अलग से करवाऊंगा कि कैसे ये चीजें होती हैं, अभी फिलहाल के लिए वन लाइनर है, इनको जल्दी से कर लेते हैं। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, थार कहा जाता है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता, महाराष्ट्र नहीं करता। भारत में कितने राज्यों में समुद्र तट है, 9 है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कोरोमंडल तट का भाग नहीं है। हमने अभी देखा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो उस भाग को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है, एर्नाकुलम को कहा जाता है। सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा, यानी आप देखेंगे पूर्व की तरफ इस साइड जाने के लिए, तो वहां पर है म्यांमार। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वह राज्य कौन सा जिसकी सीमा मिजोरम से टच नहीं करती है, तो नागालैंड की नहीं करती है। अच्छा भारत में भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, किसके साथ नहीं मिलती है, हिमाचल प्रदेश की। ये खैर आपके सामने जो चार क्वेश्चन ऑप्शन दिए होंगे ना उसमें से छांट कर है, तो एक तरीके का ये उसमें से हो गया, आए हुए क्वेश्चन है ये और वहीं पर बता रखा है। असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर में से किस प्रदेश या देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो मणिपुर की नहीं लगती है। सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है, तो भोपाल नहीं बसा हुआ है। अगली वीडियो के अंदर हम नदी इनको करने वाले हैं, माउंटेन इनको करने वाले हैं, तो मतलब कि सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना ताकि जैसे भी वीडियो आपको लोग पता चल जाए। अच्छा कानपुर, पटना, वाराणसी और लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो लखनऊ नहीं है।
किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा के साथ स्पर्श करती है? तो ये उत्तर प्रदेश है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगा? अमरावती होगा। भारत में सबसे समुद्र तट यानी बीच कहाँ है? यह है मरीना तट, बीच कहते हैं समुद्री तट, बीच पूछा है यहाँ पर। अब भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ये। किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है? त्रिपुरा है, काफी इंपोर्टेंट लोकेशन है त्रिपुरा की। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां स्थित है? अंडमान में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत या पृथक करता है, कौन सा चैनल करता है? तो 10 डिग्री है। अब अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल चोटी है, यह हमने कर लिया है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। उत्तराखंड की देहरादून है। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की है। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? झारखंड की है। गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्लियर यहां पे? तो ये सारी राजधानी से रिलेटेड है। अच्छा फिर से वही है, पोर्ट ब्लेयर यानी पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान की है। शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की है। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ, तीन है, हमने देखा भी है मैप में। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ? देखिए ये आपके सामने जब आप मैप देखेंगे ना तो सबको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर मैंने कोशिश तो की आप लोगों को मैप से करवाने की, क्योंकि यहां पर मैप लाने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहीं रख दिया। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ये आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे चार में से, और वहीं होगा कोई राज्य था जिसके अंदर मध्य प्रदेश था जो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की। सेकंड नंबर पे कौन आता है? मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश आता है। अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ तथा कोटा में से चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? वो है कोटा। सूरत, अहमदाबाद, नागपुर और पुणे में से मूला मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है? वो है पुणे। भरूच, भोपाल, कोटा और नागपुर में से नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? वो है भरूच। बेंगलोर, कटक, बद्रीनाथ और कोटा में से महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कटक है। ये जब हम नदियों का करेंगे ना तो वहां पर चीजें कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि सर एक ही बार में ये चीजें करवा रहे हो, याद कैसे करेंगे? अभी फिलहाल वन लाइनर के तौर पे याद कर लो, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर अभी माउंटेन पासिस आएंगे, फिर उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम आएगा कौन सा शहर किस नदी के तट पर है वो हम इमेज के थ्रू मतलब कि मैप के थ्रू चीजों को करेंगे। अब आगे आते हैं, बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद और लखनऊ में से अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर है? बद्रीनाथ है। अब बद्रीनाथ नासिक, मथुरा और लखनऊ में से गोदावरी नदी के तट पर कौन सा? नासिक है, क्योंकि नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, काफी इंपॉर्टेंट है। मथुरा, आगरा, कानपुर और कोटा में से गंगा नदी के तट पर कौन सा है? कानपुर है। गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ में से यहां पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा कि आज की डेट में कौन सा सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है तो लद्दाख है, क्योंकि जब से वो जम्मू कश्मीर से लोअर यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया वो वही हो गया सबसे बड़ा। तो ये तो थी आज की एक वीडियो जिसके अंदर हमने भारत के विभिन्न राज्य कहां पर क्या है, कौन सा किस नदी के किनारे है, खैर नदी वाला भी हम अलग से करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों की चीजें समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इतना ही ज्यादा प्यार आ रहा है, ज्यादा मतलब कि ज्यादा ही प्यार आए तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को भी और चैनल को भी। और हाँ, इस वीडियो की जो पीडीएफ है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, कि कहाँ मिलेगी तो मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही था।